डॉक्टर के पुत्र को इसलिए डॉक्टरी नहीं कराई जाती क्योंकि उसके पिता ने एमबीबीएस की है, अपितु इसलिए कराई जाती है क्योंकि उसने भी नीट एग्जाम देके एमबीबीएस क्वालिफाई किया, एग्जाम दिया है। तो अगर कोई भी नेता का पुत्र, सर वो एग्जाम तक कराई के लिए समझ में नहीं आ रहा है सर, बस एक एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति काम करता है और विनेबिलिटी फैक्टर उसमें होता है, उसका सरोकार रहा होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के मापदंडों पे खड़ा उतरता है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी विचार भी करती है। परंतु इसलिए सिर्फ विचार नहीं होगा कि वो एक अमुक पिता का पुत्र है या अमुक परिवार का सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक आम कार्यकर्ता को मापदंड में कसती है, उसी तरह से किसी भी परिवार से निकले हुए व्यक्ति को कसेगी। अगर वो उस मापदंडों में फिट होगा, उसके आगे जाने की संभावना है। छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी, समय अभाव है आशीष जी, बहुत जरूरी टिप्पणी, सवाल जो दिमाग में आ रहा था, क्या वाकई में अब मतलब जो वरिष्ठ नेता है उनको ये मानस बना लेना चाहिए कि बहुत संघर्ष है, अब परिवार की राजनीति को अगर आगे बढ़ाना है तो? मुझे लगता है कि आप किसी बड़े नेता से भी ये प्रश्न पूछेंगे तो उनको खुद मालूम है ये मानस बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा कहराता हूँ, इस आजाद भारत में गुजरात में जो हमारे दल ने किया है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद को बदल दिया, ये मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा सर, क्या हुआ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? देखिए पांचों उंगली कभी भी बराबर नहीं होती, परंतु मैं आपको उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। तो ये मानस ऑलरेडी हमारे नेताओं का है कि हम सिर्फ राजनीति में टिकट लड़के चुनाव लड़के मंत्री पद के लिए नहीं है, हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा हमारे दल के नेता सदैव करते हैं। राजनीति में जो फैसले होते हैं, सुशील जी छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि बिल्कुल समय खत्म हो गया है, सुविधा के अनुसार ही लेते हैं, परिस्थितियां जन फैसले होते हैं, लेकिन भाजपा आगे बढ़ रही है वंशवाद के मुद्दे पर, हो सकता है कि अभी चार उपचुनाव में कोई समझौता उसे करना पड़े। नहीं देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि परिस्थिति जन्य फैसले भाजपा ने नहीं लिए हैं, अगर लिए होते तो कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ते, गोपाल भार्गव उनके पुत्र भी लड़ते, परिस्थिति जन्य नहीं है। एक लाइन खींच दिए कि वंशवाद के आधार पर टिकट नहीं दिए जाएंगे, 2023 में नहीं, 2023 का खाका तो मुरलीधर राव बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि चार पांच बार बिहार वाले भी उम्मीद ना करें, इसका मतलब है कि अगली जो 23 चार उपचुनाव में क्या जो चेहरे हमने आपको बताए हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर का मुखिया खो दिया है, अब उनके पुत्र उम्मीद न करें? नहीं, अब ये है कि उसमें अनुकंपा की वरीयता में तो एक रास्ता निकाल लिया जाएगा। चलिए, चर्चा में जुड़ने के लिए आशीष अग्रवाल जी आपका और सुशील शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाली बीजेपी ने परिवारवाद के मुद्दे पर अपनी एक नई लाइन आगे बढ़ा दी है, जिसमें पुरानी पीढ़ी के जिम्मेदार और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं। विष्णुदत्त के संगठन ने वंशवाद की इस लाइन पर ब्रेक लगाकर एक बड़ा जोखिम पहले ही मोल ले लिया था, लेकिन अब 2023 से पहले जो चुनाव है, उपचुनाव, उसमें भाजपा परिवारवाद को लेकर अपनी लाइन और आगे बढ़ाते हुए एक नजीर क्या पेश करेगी? अगर करती है तो निश्चित तौर पर आम जमीनी कार्यकर्ता इससे खुश होगा और उसका हौसला बढ़ेगा, लेकिन बदलती भाजपा में यह प्रयोग उसे फायदा ही पहुंचाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या यह क्राइटेरिया मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और आयातित नेताओं को रास आएगा, जब 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कड़े मुकाबले में भाजपा को टक्कर दे चुकी है? ऐसे में वंशवाद का यह क्राइटेरिया क्या अगले चुनाव के गणित और सियासी समीकरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? यह पार्टी नेतृत्व को सोचना ही नहीं बल्कि फैसले भी जरूरी जीत को ध्यान में रखते हुए करना होंगे, क्योंकि उसके बाद मोदी और शाह का बड़ा मिशन 2024 सामने होगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा क्या खंडवा, रेगांव और जोबट ही नहीं, पृथ्वीपुर सीट पर क्राइटेरिया जो भाजपा का वंशवाद का है, क्या इस पर रोक लगेगी या फिर ये क्राइटेरिया अमली जामा पहनाया जाएगा? सवाल दर सवाल में आज इतना ही, इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।